अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दिव्यम बेटा, राधिका कहाँ रह गई? आरती का समय हो रहा है। राधिका बहुत समय ले रही है तैयार होने में मुन्ना के पापा, तब तक हम एक काम करते हैं, आरती की शुरुआत हम कर देते हैं। जी। लो, राधिका आ गई। अगर ये साड़ी हमें दी होती तो हम इस साड़ी में चार चांद लगा देते, पर ये देवरानी जी तो इसमें आटे का गोला लग रही है। राधिका की साड़ी तो हमने खुद कट की थी, फिर वो कैसे साड़ी पहन के आ गई? खुश रहो बेटा। राधिका बेटा, आरती की शुरुआत करो। जाओ बेटा दोनों। जी पापा जी। आंटी, कितनी चंट है ये राधिका, साड़ी बदल के आ गई। आंटी, यही सही मौका है, अच्छे से सुना दीजिए, तमाशा बना दीजिए कि इसने अपनी सास की बात टाल दी। दादी सास की साड़ी उसने नहीं पहनी। जब हंगामा होगा तब राधिका को मानना ही पड़ेगा कि वो साड़ी तो फट गई है। काया, तूने कुछ खा पी लिया है क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये साड़ी माँ की सास की साड़ी है, वही साड़ी है। ऐसे कैसे? मैंने तो वही साड़ी खराब की थी जो दिव्यम ने राधिका को दी थी। पक्का वही साड़ी है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जाकर के पहले अपने दिमाग का इलाज करवाओ। आंटी, मैं सच कह रही हूँ। अब पति पत्नी दोनों एक साथ मिलकर आरती करें। रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं ताजी हवा लेने आई थी, अभी मैं सोने जा रही हूँ। ये मिट्टी यहाँ कैसे गिरी? यही तो प्रॉब्लम है ना आप लोगों की, कोई एक काम ढंग से नहीं करता। मैंने कहा था कि वो कंसाइनमेंट भिजवा दो, लेकिन आप लोगों में से एक भी बात मैं आपको कॉल बैक करता हूं एक सेकंड।
आपकी उंगली तो बिल्कुल वैसी हो गई जैसे कल मूर्ति हो गई थी। इसका मतलब जिस किसी ने भी चंदन से छेड़छाड़ की थी वो कोई तो घर का ही था। सारा का सारा इल्जाम राधिका की मम्मी पर डाल दिया। कहीं कली फिर से अपनी हरकतों पर तो नहीं उतर आई? कली, मुझे पता है क्या छुपा रही हो तुम। तुम्हारे हाथों में रंग लगा हुआ है ना, है कि नहीं? आपने तो मैं सच में रंगे हाथों पकड़ लिया। देवा जी, हम तो बस ये नेल पॉलिश लगा रहे थे। बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी, पर आप ना किसी से कहिएगा मत, वरना सास जी कहेंगी हम सारा दिन सिर्फ साज और श्रृंगार में ही लगे रहते और कोई काम नहीं करते। मैं नेल पॉलिश का रंग छुपा रही थी। और कौन सा रंग छुपाएंगे? अब देवर जी, ये आपके कपड़ों पर क्या लगा हुआ है? लगे तो नहीं? सॉरी चाची। मूर्ति खराब करने के पीछे क्या काया का हाथ था? बड़ी गलती की है आपकी मीरा ने। कैसी गलती? चोरी। वो कुछ नहीं चुरा सकती। हमारे बेटे का दिल चुराया है उसने। गर्व को आपकी मीरा पसंद आ गई है। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 11 बजे। सरूर काया ने हाथ धोए होंगे, उसी के हाथों से निकले हुई मिट्टी के निशाने। अब तो यकीन में बदलता जा रहा है मेरा ये शक। भगवान, ये साड़ी तो कई जगह से फटी हुई है। ये भोलेनाथ, अब हम क्या करें? अब इस बात का दोष भी माँ जी हमें ही देंगी। तो मेरा शक सही था, काया राधिका को फंसाना चाहती है। राधिका, वो वाली साड़ी नहीं, माँ ने ये वाली साड़ी भेजी थी तुम्हारे लिए। सॉरी, मैंने गलत साड़ी दे दी तुम। बच गए थे भीम जी, वरना तुम बहुत डर गए थे। Thank you. ये दिव्य मुझे क्यों देख रहा? तो है दिव्य आज भी कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करता है, तभी आरती के बीच मुझे देख रहा है। गुहराते हैं कृष्ण मुरारी, तोहे भजते हैं अवध बिहारी। गोहराते हैं कृष्ण मुरारी, नाम ब्रह्मा और विष्णु जी जापे, सिर नावे भोले त्रिपुरारी। कौन तू ही विद्या की खान, तू ही हो बीड़ा वाली। माय अम्बे जगदम्बे, तेरी महिमा है सबसे निराली। काया राधिका की बहन होकर उसको तकलीफ क्यों पहुंचाना चाहती है? बोलो साचे दरबार की जय। बोलो शेरावाली माता की जय। अब सब लोग आरती लीजिए।
मुझे राधिका को समझाना होगा कि काया पर इतना भरोसा ना करे, उसके इरादे सही नहीं है, पर समझाऊं कैसे? ये महारानी तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे घूमती है, इन्हें तो सब अपनी तरह अच्छे नजर आते हैं। हे माता रानी, आप तो सब जानती हैं, प्लीज राधिका को अब आप ही काया की सच्चाई दिखाइए। क्या बात है, तफीम जी परेशान क्यों दिख रहे हैं? हमसे फिर से कोई भूल हुई है क्या? काया ने ये साड़ी फाड़ दी जिस बहन ने उसे रहने के लिए जगह दी अपने घर में। जो बहन दिन रात मेहनत कर रही है उसका ख्याल रखने के लिए, वो उसी का नुकसान कर रही है, उसे उसके ही परिवार वालों की नजरों में गिरा रही है। मुझे काया से बात करनी होगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी। हमें भी आपसे कुछ पूछना था। आज पूजा के वक्त आपका ध्यान कहाँ था? राधिका वो हाँ खाया। राधिका तेरे पास सर दर्द की दवाई है ना, दे दे जरा, मेरा सर दर्द कर रहा है। खाया तुम भी ना, जरा से दर्द हुआ नहीं कि दवाई खानी है। अरे इन छोटे मोटे दर्द भी ना काढ़ा पी लिया करो, आराम मिल जाएगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ, हम लेकर आते हैं। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो राधिका, दवाई दे दो। रमशी कैसी बातें कर रहे हैं, काया हमारी बहन है, इसके लिए मेहनत कैसी? थैंक यू आदु, समझो। राधिका तुम्हें नहीं लगता कि तुम काया के लिए कुछ ज्यादा ही करती हो? काया सिर्फ हमारी बहन नहीं बल्कि इकलौती दोस्त भी है। बचपन से ही वो थोड़ी लापरवाह है, इसलिए उसकी फिक्र करना हमारी रगों में बसा हुआ है। पर आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी बहन के चक्कर में अपने घर की जिम्मेदारियाँ बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मेरा कहने का वो मतलब था ही नहीं राधिका। फिर क्या बात है दिव्यम जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और पूजा में भी खोए खोए थे, सब ठीक है ना? राधिका ऐसे नहीं समझेगी, इसको मौका देख के समझाना पड़ेगा। राधिका मैं बस ये कहना चाहता था कि थैंक यू इस ग्रीन टी के लिए। राधिका तुम भगवान को सॉरी लिख रही हो? हाँ दिव्यम जी, हम इंसान रोज न जाने कितनी गलतियाँ करते हैं, कुछ गलतियाँ जानकर होती हैं तो कुछ अनजाने में, और हम तो गलतियों का पुतला है। तुमने पहले जो कहा उसका तो पता नहीं, लेकिन लास्ट में जो कहा वो बात सही। देवी माँ माँ है, इसलिए हमें बच्चा समझकर माफ कर देती है। फिर भी हम इनसे माफी मांग लेते हैं कि कभी हमने जाने अनजाने में ही सही कुछ ज्यादा गलतियां कर दी हो या किसी का दिल दुखा दिया हो, तो ये हमें माफ कर दे। पर राधिका कभी कभी बिना किसी की गलती के भी किसी का दिल दुख जाता है, जैसे बड़ी दादी के साथ हुआ था, उन्हें हमारी शादी का सच नहीं पता था। पर किसी को सच बोलना गलत बात थोड़ी है। नहीं बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अगर किसी सच से किसी इंसान को ठेस पहुंचे तो हमें बहुत सोच समझ के समझदारी से उस सच के ऊपर से पर्दा हटाना चाहिए। थैंक यू राधिका, तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया कि मैं तुमसे काया की बात कैसे करूं। तुम भगवान को चिट्ठी लिखो और मैं तुम्हें। हाँ मम्मी, चने में मसाला बच्चों के अनुसार ही डाला है हमने।
तुम्हारी सासू माँ की नाराजगी थोड़ी दूर हुई कि नहीं? बेटा उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। राधिका बेटा तू कुछ भी कर, लेकिन तू उनको मनाने की कोशिश कर। हाँ मुझे ये बता, व्रत के दिन चल रहे हैं तो तुम्हारा वजन थोड़ा कम हुआ कि नहीं? नहीं मम्मी, व्रत तो रखा हुआ है पर वजन कम नहीं हुआ। पक्का? पक्का तूने आलू साबुदाना की खिचड़ी और पापड़ खाए होंगे तभी तेरा वजन कम नहीं हुआ। नहीं नहीं मम्मी, हमने तो फलार और कुट्टू की रोटी ही खाई थी पर एक इंच भी पतले नहीं हुए, तो हम क्या करें? तो बेटा एक काम कर, घर के कामों के बीच थोड़ा एक्सरसाइज के लिए भी समय निकाला कर। थोड़ा सा वजन कम होगा ना बेटा तो सुजाता जी का मन ऐसे ही मोह लेगी, तो समझी? फिर तो मम्मी इस जन्म में मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम तो पतले होने से रहे। चुप चुप बोल बेटा, क्या बोल रही है? अच्छा ठीक है, हम ना आपसे बाद में बात करते हैं, आज घर में कन्या भोज है ना, तो हमने इसमें कोई गलती नहीं करनी है। हाँ हाँ बेटा अच्छे से करना, ऐसा कहते हैं कन्या के रूप में देवी माई आती है भोग करने, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक जी। तुम्हारी लिखी हुई चिट्ठी माता रानी तक पहुंचती है ना राधिका, उम्मीद करता हूं कि मेरी लिखी हुई चिट्ठी भी तुम तक पहुंच जाएगी। मैं भी उसी रंग की साड़ी पहनूंगी जिस रंग के कपड़े दिव्यम ने पहने। राधिका की अलमारी से साड़ी ले लेती हूँ। में तुम्हारे लिए कुछ है, देखना जरूर। ऐसा क्या होगा जो दिव्यम राधिका को छुपा के दे रहा है? मैं देखती हूँ, जो भी सरप्राइज होगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। अरे वाह दिव्यम जी, आप तैयार हो गए? अरे जूस। दिव्यम जी ये जूस आपके लिए नहीं है, इसमें चीनी है, ये काय के लिए, आपके लिए नीचे जूस रखा हुआ है। राधिका वैसे तुम्हारे लिए भी कमरे में कुछ रखा हुआ है। क्या? तुम कमरे में जाओगी तो खुद देख लेना। I just hope कि मैं जो लिख कर आया हूँ राधिका उस बात को समझ पाए। राधिका तुम जैसा सोचती हो काया वैसी नहीं है। मैं तुम्हें काया की असलियत बताना चाहता हूं, तब तक के लिए अपनी आंखें और कान थोड़े खुले रखना। इसमें तो कुछ भी नहीं है, ऐसा क्या होगा? दिव्यम राधिका को लव लेटर लिख के छुपा तो नहीं देता ताकि जब राधिका को ये मिले तो वो खुश हो जाए? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काया, काया हमने तुम्हारे लिए जूस बनाया था, हम तुम्हारे कमरे में गए थे पर तुम वहाँ थी नहीं, तो हमें लगा यहीं पर होगी। खैर तुम ये जूस पी लो, फिर फटाफट से तैयार हो जाना। ऐसे सर क्या हिला रहे हो, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, पी लो। काया जिद मत करो, तुम ऐसे नहीं मानोगी, हम ही पिलाते। इसे क्या हो गया? राधिका ने जबरदस्ती जूस पिला दी। इस चिट में क्या लिखा है? लग तेरी की, चिट खराब हो गया।
तकिए में तुम्हारे लिए कुछ है, देखना जरूर। हाँ तो तकिए में कुछ भी नहीं है, पर विष्णु जी ने क्यों कहा कि कुछ रखा है? मुझे लगता है खुद लिखकर रखना भूल गए होंगे, जाने क्या सरप्राइज हो। खैर, कन्या पूजन के बाद ही उनसे पूछ लेंगे। में छीटा चला गया है। तुम एक काम करो ना बेटा, उस कन्या के पैर दूध ला ले। हाँ माँ। राधिका बेटा, तुम भी आ जाओ, दोनों मिलके पांव धुलाओ। जी पापा जी। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय शारदा।